नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नवीन शर्मा है और मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ अपोलो हॉस्पिटल जयपुर में और एडवांस हॉस्पिटल जयपुर में। दोस्तों, क्या आपने ACL सर्जरी करवा ली है और उसके बाद भी आपके घुटने में दर्द हो रहा है? यदि हाँ और आपको समझ भी नहीं आ रहा कि ये दर्द क्यों हो रहा है और आपके मन में कई बार ये भी डर हो रहा है कि कहीं मेरी सर्जरी फेल तो नहीं हो गई है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक पूरा देखिए और मैं समझाता हूँ कि ACL सर्जरी के बाद भी अगर घुटने में दर्द है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। नमस्ते दोस्तों। ACL एक ऐसी सर्जरी है जो हमेशा ही सक्सेसफुल होती है। इसकी सक्सेस की रेट बहुत ज़्यादा है। अभी तक करीब हम लोग 10,000 से ज़्यादा ऑपरेशन कर चुके हैं और 100% सक्सेस रेट होती है। ACL सर्जरी में फेलियर के क्या कारण हैं, इसका वीडियो में पहले बता चुका हूँ, उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ACL सर्जरी के बाद कुछ लोगों को दोस्तों बिल्कुल कम्प्लीटली फिटनेस अचीव हो जाती है, वो पहले की तरह दौड़ भाग कर सकते हैं और कई बार मेरे को कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि सर हम पूरी तरह फिट हो चुके हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जिनको कि पेन की कंप्लेंट बनी रहती है। ACL सर्जरी के बाद पेन की कंप्लेंट क्यों बनी रहती है, इसके कुछ कारण हो सकते हैं। सबसे प्रमुख कारण जो मैंने देखा है दोस्तों वो है ACL के अंदर कार्टिलेज का डैमेज हो जाना। यदि आपकी कार्टिलेज डैमेज हो गई है, उसके कई कारण हो सकते हैं। या तो आप ACL सर्जरी बहुत लेट करवाते हैं तो इसकी वजह से कार्टिलेज डैमेज हो सकती है। ACL सर्जरी में कार्टिलेज डैमेज होने का दूसरा कारण ये हो सकता है दोस्तों कि आपके सर्जरी के बाद कोई इन्फेक्शन हो जाए। अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से कार्टिलेज डैमेज हो जाती है और उसकी वजह से भी पेन हो सकता है। काफ़ी सारे लोग क्या होता है कि ACL सर्जरी तो करवा लेते हैं लेकिन उसके बाद किसी तरह की रिहैबिलिटेशन या कसरत नहीं करते। इसकी वजह से उनकी जो मसल्स है वो वीक रह जाती है और मसल्स के वीकनेस की वजह से भी उनको घुटने में दर्द होने लग जाता है। तो ये तीन प्रमुख कारण है, यानी कि मसल्स का खराब हो जाना, कार्टिलेज का खराब हो जाना और सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाना। इन तीन कारणों से घुटने में ACL की सर्जरी के बाद भी दर्द हो सकता है। आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके साथ कौन सा कारण है? देखिए, सबसे पहले तो आप अपने दोनों पैरों की तुलना कर सकते हैं। अगर आपको अपने नॉर्मल पैर की तुलना में इस पैर की जो मसल्स है वो बहुत ज़्यादा वीक लग रही है तो ये प्रमुख कारण हो सकता है जिसकी वजह से कि आपके पैर में दर्द हो रहा हो। दूसरा कारण, अगर इन्फेक्शन होगा तो घाव सूखेगा नहीं या सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और अगर आप अपने ब्लड टेस्ट कराते हैं तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन के मार्कर पॉजिटिव यानी ESR CRP ऐसे हाई आ सकते हैं। अगर इन्फेक्शन के मार्कर पॉजिटिव आ रहे हैं, घाव लंबे समय से सूख नहीं रहा है, पानी आ रहा है, या घाव पूरी तरह सूख गया है लेकिन फिर भी लगातार आपके दर्द और सूजन बनाए तो ये इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन की जो जांच है दोस्तों वो आप ब्लड टेस्ट के द्वारा आप करवा सकते हैं और उसके बाद दवाइयाँ चालू करने से आपको पूरी तरह फ़ायदा हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि ACL में ग्राफ्ट के ऊपर साइक्लोप्स लीजन बन जाता है और ये भी आपके अंदर घुटने में दर्द कर सकता है। साइक्लोप्स लीजन बन जाने पर घुटने में दर्द होता है और खासकर कि पेशेंट को पूरा पैर सीधा करने में भी दिक्कत आती है। एक MRI करवा के आप पता कर सकते हैं कि आपके घुटने में कोई साइक्लोप्स तो नहीं बन गया है, क्योंकि ये भी ACL सर्जरी के बाद दर्द का कारण बन सकता है। तो दोस्तों, मोटे तौर पर इन्फेक्शन की वजह से, मसल्स के वीकनेस की वजह से, कार्टिलेज के खराब हो जाने की वजह से ACL सर्जरी के बाद घुटने में दर्द होता है। अगर आपकी भी ACL सर्जरी आपने कहीं करवाई है और घुटने में दिक्कत आ रही है तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।